إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قابل احترام صدر مجلس محترمي أمير جمعيت علماء کرام دعاة مبلغین अल्लाह रब्बुल आलमीन के फ़ल्ल करम से आज इस मजलिस में हम लोग जमा हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस लंबे वक्फ़े के बाद हम सब के जमा होने को कबूल फ़रमाएँ और इसी तरह से मज़ीद हम सबको जमा होने की तौफीक अता फ़रमाएँ और इस मजलिस के इस प्रोग्राम के हमारे लिए मुफीद होने की हम सबको तौफीक बनाएँ। जिस उनवान के तहत कुछ बातें अर्ज़ करनी हैं वह है तंजीम वक्त और उसकी अहमियत और तरीक़ेकार। क़ुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरतुल असर में वक्त की कसम खा के फरमाया कि इंसान खसारे में है। इससे मालूम ही होता है कि इंसान की कामयाबी और नाकामी का मदार वक्त पर है, वो वक्त को कैसे इस्तेमाल करता है, आखिरत की तैयारी में, अपनी इसलाह में, या दुनिया में खोकर अपने आप को, अपने औकात को, अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करने में। मज़ीद ये कि इस बात का इस सूरत से मालूम ये बात मालूम होती है सूरत से कि वक्त की तंजीम नहीं की जा सकती है, तंजीम हमको अपनी करनी है। वक्त किसी के लिए न रुकता है न उसको दौड़ाया जा सकता है, वक्त की अपनी एक रफ्तार है। वक्त के एतबार से हम आप वक्त पर कोई कंट्रोल नहीं रखते हैं, वक्त गुजर रहा है जैसे बर्फ़ पिघल रही है। तंजीम हमको अपने अफकार, अक्वाल और आमाल और अफ़ाल की करनी है। लिहाजा एक आदमी अगर वक्त को मुनज़्ज़म करना चाहता है तो उसका वाकई सही तरीक़ा ये है कि वह अपने आप को मुनज़्ज़म करे। न वक्त उसके लिए तेज़ होने वाला है और न वक्त उसके लिए रुकने वाला है, उसकी रफ़्तार कम होने वाली है। लिहाजा अगर हम इस बात को जानें तो इससे समझ में आता है कि वक्त हमारे लिए काफ़ी क्यों नहीं होता है, इसलिए कि हम लोग अपने आप को मुनज़्ज़म नहीं कर पाते हैं। दूसरी बात इसमें यह है कि हमारी तरजीहात अलग होती हैं, यही वजह है कि हमारे लिए वक्त काफ़ी नहीं होता है। इसीलिए वक्त सबके लिए बराबर होता है, चाहे अमीर हो या गरीब हो, सबको अल्लाह ताला रोज़ाना उतना ही वक्त देता है जितना हर इंसान को मिलता है। इसमें कमी ज़्यादती नहीं होती है, 24 घंटे सभी को मिलते हैं, लेकिन हमारी तरजीहात अलग अलग होती हैं। यही वजह है कि एक चीज़ के लिए हमें वक्त मिलता है और दूसरी के लिए नहीं मिलता है। हम किस चीज़ को तरजीह दे रहे हैं ये ज़्यादा अहम होता है। अगर एक चीज़ को हमने तरजीह दी और दूसरे को नहीं तो उस चीज़ के लिए हमारे पास वक्त नहीं होगा। लिहाजा हमारी ज़िंदगी में बुनियादी उसूल ये होना चाहिए कि हम उन चीज़ों को तरजीह दें जो वाकई अल्लाह के नज़दीक भी काबिल तरजीह हैं। ऐसी सूरत में हम लोग कामयाब हो सकते हैं। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वल असर इन्नल इंसान लफी खुसर, कसम ज़माने की इंसान खसारे में है। उसके बाद अल्लाह ताला ने बताया कि इस खसारे से बचने के लिए करना क्या है, इल्लल्लज़ीना आमनू वअमिलुस सालिहाति वतवासौ बिलहक़्क़ि वतवासौ बिस्सब्र, हाँ मगर वो लोग खसारे से महफूज हैं जो ईमान लाए, नेक आमाल करते रहें और एक दूसरे को हक की वसीयत करते रहें और एक दूसरे को सब्र की वसीयत करते रहें। लिहाजा इस सूरत में इंसान के खसारे को जिक्र करके वक्त की कसम खा के अल्लाह ताला ने इंसान के ईमान व अमल को जिक्र किया है। इस खसारे से बचने के लिए आदमी को अपने अकीदे, अपने फिक्र, अपनी सोच और अपने आमाल की इसलाह करनी चाहिए। इस सिलसिले में एक और बात भी है कि क़ियामत के दिन इंसान अल्लाह ताला से वक्त ही मांगेगा। जब जहन्नम उसके लिए अल्लाह ताला मुकद्दर करेगा और वह जहन्नम में जाएगा अपने गुनाहों की सज़ा पाने के लिए, तो उस वक्त में अल्लाह ताला से ज़िंदगी मांगेगा ताकि वह अमल कर सके। उस वक्त भी अल्लाह ताला बंदे से कहेगा अवलम नुअम्मिरकुम मा यतदक्करु फीही मन तदक्कर, क्या हमने तुमको इतनी उम्र नहीं दी थी कि जिसमें नसीहत पाने वाला नसीहत पा लें अगर इरादा करें।
وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ اور تمہارے پاس خبردار کرنے والی بھی آئیں فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ تو اب چکھو جہنم کا عذاب اب تمہارے لیے ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے. آخرت میں انسان اللہ تعالیٰ سے موقع مانگے گا لیکن اسے پچھلی زندگی کی یاد دہانی کرائی جائے گی. تم کو وقت دیا جا چکا تھا لیکن تم نے اس وقت کو صحیح استعمال نہیں کیا, اس کا نتیجہ ہے کہ آج تم جہنم میں پہنچے ہو. لہٰذا وقت کا صحیح استعمال نہ کرنا انسان کو جہنمی بنا سکتا ہے. اس لیے ہم کو اپنے اوقات کی تنظیم کرنا چاہیے, یعنی اپنے آپ کی تنظیم ہم کو کرنی چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں, اس کا ہم جائزہ لیں. تنظیم اوقات میں اگر اس کو عنوان کو لے کر ہم چلیں, اس کے لیے ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم کو وقت کی قدر ہونی چاہیے, وقت کی قیمت کا احساس ہونا چاہیے. اس لیے کہ انسان جب کسی چیز کی اہمیت اس کے سامنے ہوتی ہے اس کو صحیح استعمال کرتا ہے. پیسوں کے بارے میں, دنیا کی مال و متاع کے بارے میں جب آدمی کے ذہن میں اس کی قدر و قیمت ہوتی ہے اور اس کے کھونے کا احساس ہوتا ہے اور یہ چلا جائے تو کتنا بڑا نقصان ہوگا, اس بات کا جب احساس ہوتا ہے تو اس چیز کو انسان سنبھال کے استعمال کرتا ہے. لہٰذا وقت کی قدر اگر ہمارے ذہن میں نہیں ہے تو ہم وقت کو بری طرح سے استعمال کریں گے اور ناکام ہوں گے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, ادرکت اقواما کان احدہم اشح علی عمرہ منہ علی دراہمہ و دنانیرہ. امام ابن مبارک نے اس کو اپنی کتاب الزہد میں روایت کیا ہے کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, میں نے کچھ لوگوں کو ایسا پایا اپنے زمانے میں, یعنی اسلف کو ایسا پایا کہ ان میں سے ہر ایک کے نزدیک درہم و دینار سے بڑھ کے اپنی عمر کی حرص تھی, یعنی وقت کی حرص, وقت کی قدر ان کے نزدیک درہم و دینار سے زیادہ تھی. آج ہمارے پاس وقت کی قدر سے زیادہ پیسے کی قدر ہے. پیسہ واپس آ سکتا ہے, وقت واپس نہیں آ سکتا ہے. وقت صرف کر کے پیسہ لیا جا سکتا ہے لیکن پیسہ دے کے زندگی نہیں لی جا سکتی ہے. لہٰذا پیسے سے, روپے پیسے سے زیادہ وقت قیمتی ہے, اس بات کا احساس ہر آن ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے, ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے. دوسری بات یہ کہ انسان وقت کی تنظیم تبھی کر سکتا ہے, یعنی اپنی زندگی کا صحیح استعمال تبھی کر سکتا ہے جب ہر وقت اس کے سامنے موت ہو. بہت سارے محققین جو مغربی محققین ہیں انہوں یہ بات کہی ہے کہ انسان کے اعمال اور اس کی کوششیں صحیح تب ہوتی ہیں جب ہر وقت اس کے سامنے موت ہوتی ہے. جب وقت کا ختم ہونا اس کے سامنے ہوگا کہ میرے پاس بہت کم وقت ہے, تو ایسا انسان زندگی میں اپنی اہم ترین چیزوں کو پہلے کرتا ہے اور اپنے اوقات کو ضائع نہیں کرتا ہے. ہمارے پاس واقعی ویسے بھی بہت کم وقت ہے, اس لیے کہ ہماری موت کبھی بھی آ سکتی ہے اور اس موت سے پہلے پہلے ہم کو اس کی تیاری کرنی ہے. اپنی سوچ کو, اپنے اقوال کو, اپنے افعال کو مہذب بنانا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کے پاس جب ہم پہنچیں تو اس وقت میں ہم پاکیزہ حالت میں پہنچے, بری حالت میں نہیں پہنچے. لہٰذا یہ جو وقت ہم کو دیا گیا ہے, موت کبھی بھی آ سکتی, اس کا احساس اگر ہو تو اس بچے ہوئے وقت کو, جو بھی ملا ہوا وقت ہے, اس کو ہم صحیح استعمال کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا, وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ وَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. آدمی موت کے وقت میں احساس اس کو ہوگا کہ اللہ تھوڑا سا وقت اور دے دیتا تاکہ میں کچھ اور عمل کرتا, صدقات کرتا, نیکیاں کرتا. موت کے وقت انسان کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے اپنی پوری زندگی برباد کر دی, اب میرے پاس تھوڑا سا اور وقت ہوتا, مہلت ہوتی تو میں کرتا. لیکن آلریڈی ہمارے پاس اتنا وقت ہے, ہم کو اللہ کی طرف سے اتنا سارا وقت ملا ہے, اس کو ہم ختم کرتے چلے جاتے ہیں اور پھر بڑھاپے میں جا کے پچھتاتے ہیں کہ کاش میں نے جوانی میں ایسا کیا ہوتا. جو بھی وقت ہمارے پاس آج بچا ہوا ہے اس کو صحیح استعمال کرنا اور ہر دن کو صحیح استعمال کرنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے. تو موت کا احساس اگر ہمیشہ سامنے ہو تو آدمی کی زندگی صحیح ہو جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اعمار امتی ما بین 60 الى 70 واقلهم من يجوز ذلك. میری امت کی زندگی یعنی عمریں 60 سے 70 کے درمیان ہیں, بہت کم ہیں جو اس کے پار جا سکیں گے. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ہماری امت کی عموماً عمر 60-70 کے بیچ میں ہوگی. اپنی عمر کو اس طرح سے سامنے رکھ کے چلنا چاہیے کہ اب میری عمر کتنی ہے, 50 سال ہے, اب میرے پاس صرف 10 سال بچے ہوئے ہیں. کتابیں لکھنی ہیں, پڑھنا ہے, علم حاصل کرنا ہے, دعوت دینی ہے, جو بھی میرے پروجیکٹ ہیں 10 سال میں ہو پائیں گے کہ نہیں. اگر یہ سامنے ہمیشہ ہوگا تو آدمی ساری چیزوں کو منظم کر پائے گا, پھر وہ فضولیات کو چھوڑنا اس کے لیے آسان ہوگا اور اہم چیزوں کو کرنا آسان ہوگا. ہر آدمی اپنے سامنے یہ عمر رکھے کہ 60 سال میرے پاس ہیں, 60 سال میرے پاس ہیں, اب بچا ہوا کتنا ہے.
अगर ऐसा करेगा तो उसके लिए बहुत आसान होगा। इसी तरह से औकात के एतबार से, तंजीम के एतबार से तरजीहात होनी चाहिए। दो वाकयात तफसील नहीं इसकी जिक्र करूँगा। एक तो अबू दर्दा रदी अल्लाह तआला, सलमान फारसी रदी अल्लाह तआला का वाकया है। उसमें जब आखिर में नसीहत की सलमान अल फारसी रदी अल्लाह तआला ने अबू दर्दा रदी अल्लाह तआला को, तो कहा कि इन्ना लिरब्बिका अलैका हक्कन वली नफ्सिका अलैका हक्कन वली अहलिका अलैका हक्कन। हमारे औकात की तकसीम कैसी होनी चाहिए? हमारे रब का हमारे ऊपर हक है, हमारी ज़ात का हमारे ऊपर हक है, हमारे घर वालों का हमारे ऊपर हक है। ये तीन हिस्से हैं जिनको याद रखना चाहिए कि हमारे औकात कहाँ जाएँ, रब की इबादत में, अल्लाह ताला के फ़राइज़ को पूरा करने में, इसी तरह से अपनी बेहतरी में, सेहत के एतबार से हो या इल्मी एतबार से हो या इसी तरह से अखलाकी एतबार से हो कि हम बेहतर इंसान बन पाएँ, इसी तरह से अपने घर वालों की तरबियत में या उनकी माशी ज़रूरियात में जो भी चीज़ें हैं इन सब की देखभाल में हमारा वक्त जाना चाहिए। बाज़ वक़्त इबादत में कोताही हो जाती है, बाज़ वक़्त अपने पे हम ध्यान नहीं दे पाते हैं, काम में लगे रहते हैं, सेहत ख़राब हो जाती है, मसाइल पैदा हो जाते हैं या हम बेहतर नहीं बन पाते हैं। सारी दुनिया हमारे से हिदायत हासिल कर लेती है लेकिन हम बेहतर नहीं बन पाते हैं, या कभी हम बाहर सारी दुनिया में दावत देते हैं लेकिन घर वालों की तरबियत नहीं कर पाते हैं। तो ये हदीस बताती है कि तीनों एतबार से हमको अपने औकात को तकसीम करना चाहिए। इसी तरह से अब्दुल्लाह इब्ने अम्र इब्ने आस रदी अल्लाह तआला अन्हुमा की हदीस में भी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको नसीहत करते हुए फरमाया, व इन अली जसदिका अलैका हक्कन व इन अली अयनिका अलैका हक्कन व इन अली ज़ौजिका अलैका हक्कन व इन अली ज़ौरिका अलैका हक्कन। बी बच्चों के साथ साथ हमसे मिलने जुलने वाले मेहमान हों या फिर वो सारे लोग जो उसके ज़िम्न में आते हैं जिनसे हमारी मुलाकात होती है माशरे में, जो अफराद हैं उनकी इसलाह, उनकी बेहतरी, समाजी काम या इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं इनके लिए भी हमको वक्त निकालना चाहिए। तो ये दोनों वाकयात हमको बताते हैं कि हमको अपने औकात की तकसीम किस तरह से करनी चाहिए। रब का मामला, हमारी अपनी ज़ात का मामला, अपने घर वालों का मामला और समाज, ये चार एतबार से अपने औकात को हमको सही ढंग से तकसीम करना चाहिए। इसी तरह से चौथी चीज़ इसमें ये है कि वक्त की तंजीम के एतबार से जिसको याद रखना चाहिए वो ये कि हम मकसद से गैर मुतालिक चीज़ों को छोड़ने वाले बने। जो चीज़ हमारी ज़िंदगी के मकसद से जुड़ी हुई ना हो उसको छोड़ना ये हमारे वक्त को बढ़ाता है। हम ज़िंदगी को नहीं बढ़ा सकते हैं लेकिन फजूलियात को अपनी ज़िंदगी से निकाल कर अपने औकात को सही कामों में सर्व करने के लिए वक्त की वसात पैदा कर सकते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मिन हुस्न इस्लामिल मरई तरकुहु मा ला यानी। आदमी के इस्लाम की खूबी यह है कि जो चीज़ उसके मकसद से मुतालिक ना हो उसे वो छोड़ दे। ला यानी कि यही माना इब्ने रजब रहमहुल्लाह ने जिक्र किए कि वो उसका मतलूब और मकसूद से जुड़ी हुई ना हो। हमारा मकसद आखिरत है, हमारा मकसद अल्लाह रब्बुल आलमीन की रिदा है, हमारा मकसद दुनिया में अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकाम को आम करना है। तो हमारी ज़िंदगी का जो मकसद हमने मुतायिन किया है उस मकसद से गैर मुतालिक चीज़ें जितनी हैं उसको ज़िंदगी से निकालने की कोशिश हम लोग करें। कितने लोगों के औकात चले जाते हैं कि दो दो घंटे फेसबुक पे बैठा हुआ है, इसको लाइक कर रहा है, उसको उसका मैसेज पढ़ रहा है, फजूल चीज़ें हैं व्हाट्सएप पे, न जाने कितने यूं ही शेर शायरी या इससे लेके और फजूलियात चलती रहती हैं। हमारे औकात बहुत ज़ाय होते हैं। उस ज़ाय होने वाले वक्त को अगर हम बचाना चाहते हैं तो हमारे लिए इन चीज़ों को छोड़ना ज़रूरी होगा और वही वक्त हम सही चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। हम वक्त कहीं से ख़रीद के ला नहीं सकते हैं लेकिन जो वक्त हम ज़ाय कर रहे हैं अगर उसे हम बचा लें तो हम उसको सही इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से पाँचवीं चीज़ इसमें यह है कि ऐसे लोगों से भी बचा जाए जो हमारा वक्त खा जाते हैं। ऐसे लोग मजलिस में जाके बाहर कहीं बैठ गए किसी के साथ में बैठ के यहाँ वहाँ की फजूल बातें हो रही हैं, वाकई कोई मुफीद बात नहीं है, ना इल्मी इफादा और इस्तेफादा है, ना इसी तरह से कोई समाजी काम है, ना कुछ है, बस यहाँ वहाँ की फजूलियात हैं, गीबतें हैं और इस तरह की सारी चीज़ें हैं। हम लोगों को ऐसे लोगों से भी बचना चाहिए। इब्नुल जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब सैदुल खातिर में कहते हैं, अऊज़ु बिल्लाहि मिन सुहबतिल बत्तालीन, मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ वक्त को बर्बाद करने वालों से। बत्तालीन वही हैं जो अपने इनके पास कोई भी मकसद नहीं होता है, वो खुद अपनी ज़िंदगी की कदर नहीं करते हैं, अपने वक्त की कदर नहीं करते हैं और दूसरों की भी वक्त की कदर नहीं करते हैं। जब अपना ही वक्त की कदर आदमी नहीं करेगा तो दूसरों की कहाँ से करेगा। लेकिन ऐसे लोग जो हैं हमको भी वक्त ज़ाय करने वाला बना देते हैं, उनके साथ फजूल अपने वक्त को ज़ाय नहीं करना चाहिए। इब्ने मुबारक रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने कहा कि आप जब नमाज पढ़ लेते हैं तो हमारे साथ बैठते नहीं आप, इदा सल्लैता मअना लिमा ला तजलिस मअना। उन्होंने कहा कि अज़हबु मअस सहाबती वत्ताबईन,
मैं सहाबा और ताबीन के साथ होता हूँ। कुलना लहु वमिन अयन सहाबत व ताबीउन, कहा ये कैसे हो सकता है कि आप सहाबा और ताबीन के साथ हों। قال اذهب انظر في علمي وادرك اثارهم واعمالهم, मैं जाता हूँ अपने इल्म में गौर करता हूँ तो उनके आसार और उनके आमाल देखता हूँ। फमा असना माकुम अंतुम तगताबून الناس, तुम्हारे साथ बैठ के मैं क्या करूँ, तुम तो बस लोगों की गीबतें करते रहते हो। तो ऐसे लोग जो वक्त को बर्बाद करते हैं अपने भी और आपके भी, ऐसे लोगों से बचना न सिर्फ अपने वक्त को बचाना है बल्कि अपने अंजाम को भी बुराई से नुकसान से बचाना है। हमारा वक्त ही नहीं बल्कि हमारा दीन भी बर्बाद होता है। हिलतुल औलिया में ये रिवायत मौजूद है। इसी तरह से छठी चीज़ ये है कि जो वक्त हमारा गुजर रहा है उस वक्त को हमको सही इस्तेमाल करना चाहिए। यानी मिसाल के तौर पर आप गाड़ी पर जा रहे हैं तो खामखा दुकानों के बोर्ड देखने की बजाय हम उसमें जिक्र कर सकते हैं और बहुत सारे आमाल उसमें कर सकते हैं। तिलावत है, जिक्र है, इस तरह की चीज़ें हैं जिसके लिए अलग से बैठ कर करने की बजाय इस वक्त में हम कर सकते हैं। या डॉक्टर के पास इंतज़ार में बैठे हुए हैं, मोबाइल फ़ोन हमारे पास है, व्हाट्सएप पढ़ने की बजाय हम कोई किताब उसमें से पढ़ सकते हैं। जो नुसूस हमको याद करने हैं उन औकात में हम याद कर सकते हैं। या इसी तरह से गाड़ी में आप रिक्शा में या किसी भी गाड़ी में जा रहे हैं, आपके बहुत सारे कॉल हैं, आप घर पे बैठ के उनसे वो बातें करने की बजाय जो रस्मी बातें हैं आप उस वक्त में उस काम को कर सकते हो जिसका कोई आपको इतना बहुत बड़ा फायदा नहीं है या उसके लिए बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत और सोचना नहीं पड़ता है। आप सोचने के वक्त को घर में रखिए, ऐसे वक्त में जबकि आपको बिल्कुल तन्हाई और यकसुई चाहिए। यकसुई के वक्त में हम व्हाट्सएप चेक कर रहे हैं और उसके लिए हमारे पास दूसरे कामों के लिए वक्त नहीं है। जो यकसुई के लम्हात हमारे हैं वो अहम काम के लिए होने चाहिए। लेकिन ऐसे अवकात जो हमारे चलते फिरते हैं उनमें हम वो काम करें जिसके लिए ज़्यादा यकसुई की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस तरह से अगर हम अपने आप की तंजीम, अपने आमाल की तंजीम कर लें तो हमारे लिए वक्त की बरकत पैदा हो सकती है। इमाम इब्नुल जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह यही कहते हैं कि जब बहुत सारे लोग उनको जहाँ वहाँ पकड़ते थे उनका वक्त खा जाते थे तो कहते कि मैं ऐसा करता था कि अगर उनसे बचने की कोशिश हो सकती तो कर लेता था, किसी तरह से जान बचा के उनसे निकल जाता था, लेकिन फिर भी पकड़ा जाता था तो फिर मैं उन्हें घर पे लेके आता था और कागज बनाना और इसी तरह से बाइंडिंग करना और इस तरह के जो मेरे काम हुआ करते थे जिसमें बहुत ज्यादा बारीकी की जरूरत नहीं होती है, यकसुई की जरूरत नहीं होती है, वो काम उन औकात में कर लेता था, बात भी करता रहता था उनके साथ, यानी उनके साथ ऐसा काम करते हुए अपने भी काम कर लेता था। अब इसके लिए मेरे पास अलग से वक्त निकालने की जरूरत नहीं है। तो हमको ये भी अकलमंदी हमारे पास होनी चाहिए कि जो ऑलरेडी हमारा वक्त जा रहा है उसको हम कैसे सही तौर पर इस्तेमाल कर पाएं। इसी तरह से सातवीं चीज इसमें यह है कि मतलूब को पूरी तरह से हासिल करने की कोशिश करना महरूमी का सबब होता है, उसको टुकड़े टुकड़े करके हासिल करना आसान होता है। बहुत सारे लोग कोई किताब लिखना चाह रहे हैं सालों से लेकिन अब तक लिख नहीं पाए, बहुत सारे लोग कुछ पढ़ना चाह रहे हैं लेकिन अब तक वो मोटी किताब खत्म नहीं कर पाए। क्यों? इसलिए कि हम एक साथ सब करना चाहते हैं, लेकिन अगर उसको टुकड़ों में तकसीम करें, अगर 100 सफहात की किताब कोई लिखना चाहता है, अगर हर दिन 2 सफ़े लिखे तो 50 दिन में 2 महीनों में वो ख़त्म हो सकती है। लेकिन हम चाहते हैं कि ऐसा वक्त कभी मिल जाए हमको कि एक साथ हम पूरी किताब लिखते, तो अज़ा में तकसीम करना किसी भी चीज़ को, मकासद को आसानी से उनके हसूल का ज़रिया बनता है। पहाड़ एक जगह से आप उठा के दूसरी जगह नहीं रख सकते हैं, लेकिन एक एक पत्थर उठा के रखना शुरू करें कभी ना कभी पहाड़ आप मुंतकिल कर सकते हैं। इस उसूल को अगर आदमी याद रखे जो सलफ का उसूल है, मिसाल के तौर पर इमाम ज़ुहरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मन तलब अल इल्म जुमलतन फातहु जुमला, जो इल्म को एक दम से हासिल करने की कोशिश करे वो तमाम तर उसको खो देता है। व इन्नमा युदरकुल इल्म हदीसुन व हदीसान, इल्म को एक हदीस और दो हदीस करके हासिल किया जाता है। जहाँ ये तदरीज के एतबार से उसूल है वहीं ये इस एतबार से भी है कि किसी चीज़ के उसूल को एकदम से नहीं हासिल किया जा सकता है बल्कि उसके लिए टुकड़े टुकड़े करके थोड़ा थोड़ा करके उसको हासिल किया जाए तो फिर एक वक्त में उतना ज़्यादा हो जाता है कि फिर उसको दूसरे लोग उस पर ताजुब करते हैं। लिहाजा जो इल्म के लिए उसूल है वो ज़िंदगी के तमाम मकासद के लिए उसूल है, इसलिए कि सबसे ज़्यादा अहम चीज़ दीन में इल्म है, इल्म खाने पीने से भी ज़्यादा अहम है। लिहाजा इल्म में सलफ का उसूल था कि थोड़ा थोड़ा करके उसको हासिल करते थे। लिहाजा हम अपने जितने मकासद हैं, चाहे वो इल्मी काम हो या समाजी काम हो या जो भी हो, उसको करना चाहते हैं, हम उसको तकसीम करें कि एक दिन में मुझको कुछ ना कुछ करना है और थोड़ा थोड़ा करके मुझको 1 साल, 2 साल, 3 साल इसमें हमको मुकम्मल करना है। इसी तरह से आठवीं चीज़ ये है कि हर काम को खुद करने की बजाय कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो दूसरों से करवाए जा सकते हैं। आदमी बाज़ औक़ात खुद ही सब कुछ करना चाहता है और नहीं कर पाता है। बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो छोटे छोटे काम होते हैं,
जो उसकी खुद की सलाहियत से, यानी जरूरी नहीं कि वो दूसरा भी कर सकता है, लेकिन अगर उस काम को खुद ही करने लगे तो जरूरी कामों के लिए वक्त नहीं होता है। लिहाजा अपने काम जो भी हैं उनको तकसीम करना चाहिए कि कौन सा काम सिर्फ मुझे करना चाहिए और कौन सा काम है मैं किसी और से करवा सकता हूँ। अगर किसी और से आप करवा सकते हैं तो आपने अपना उतना वक्त बचा लिया है, आप उसको उस काम में खर्च कर सकते हैं जो आपको करना है और कोई दूसरा नहीं कर सकता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुआत को भेजना इलाकों में इसी कबील से है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने सारी इंसानियत के लिए रसूल बनाकर भेजा, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जगह खुद नहीं गए बल्कि आपने अफराद को भेजा। अली रदी अल्लाह तआला को आपने भेजा ताकि वो कब्रों को जमीन के बराबर कर दें, तस्वीरों को और मूर्तियों को हटा दें, तोड़ दें, और इसी तरह से दूसरे जितने भी मकासिद हैं, मुआद इब्ने जबल हों या इसी तरह से और सहाबा हों, उनको आपने भेजा, मुख्तलिफ बादशाहों के पास सहाबा को भेजा। ये बताता है कि आपकी रिसालत थी कि सारे लोगों तक पैगाम पहुंचे, लेकिन आप हर एक के पास नहीं गए बल्कि आपने अफराद को भेजा। तो इस तरह से अपने औकात को बचाया जा सकता है, काम को बढ़ाया जा सकता है कि हम वो छोटे छोटे काम जो दूसरे लोग भी कर सकते हैं उनसे करवाएं। ये भी एक तरीका इसका है, इसको डेलीगेटिंग इंग्लिश में कहते हैं कि हर काम खुद नहीं करना बल्कि किसी और को काम दे देना कि वो करे। इसी तरह से नौवीं चीज ये है कि जदीद अजबाब जो भी वसायल हमारे पास टेक्नोलॉजी के हैं उनको इस्तेमाल किया जा सकता है अपने वक्त को बचाने के लिए। एक तो ये है कि मिसाल के तौर पर आपको कोई हदीस ढूंढनी है, आपको अपनी सलाहियत बढ़ाने के अतबार से किताबों से इस्तेफादा करना चाहिए, हमेशा किताबों से जुड़े रहना चाहिए। लेकिन अगर हमको जल्दी से जवाब देना है या कोई मकाला बनाना है या कोई काम करना है तो उसके लिए कंप्यूटर की मदद लेना ये इस दौर की ज़रूरत है। अलमकतबतु शामिला में बहुत सारी किताबें हैं, आप जल्दी से कोई चीज़ सर्च करके जवाबात लोगों को दे सकते हैं। किताबों से इस्तेफादा अपनी जगह है और वो क़यामत तक बाकी रहेगा, लेकिन इसी के साथ साथ बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जिनको जल्दी करना होता है, ऐसे कामों के लिए आप कंप्यूटर को इस्तेमाल कर सकते हैं। बल्कि आपने अपनी जो तहकीक की है उस तहकीक को आप मकतबतु शामिला में दाखिल भी कर सकते हैं, शामिल कर सकते हैं, फिर बाद में दूसरी मरतबा आपको दोबारा वही तहकीक नहीं करनी पड़ेगी, आप उसी में सर्च करके अपनी चीज हासिल करके जवाब दे सकते हैं। तो इस तरह से जो भी टेक्नोलॉजी है, मोबाइल फोन है या इसी तरह से और भी चीजें हैं, इनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि हम अपने इल्मी काम को, दावती काम को ज्यादा तेज कर सकें और कम वक्त में ज्यादा काम कर सकें। इसी तरह से हमारे अखलाक को दुरुस्त करना, सिला रहमी करना, ये भी उन असबाब में से जो हमारे वक्त में बरकत पैदा करता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन अहब अन युबसत लहु फी रिज़्क़िही व युनसअ लहु फी अथरिही फलयसिल रहिमहु। जो आदमी चाहता है कि उसकी उसके रिस्क में और उसकी उम्र में बरकत हो तो उसे चाहिए कि वह सिला रहमी करे। इस हदीस से भी मालूम होता है कि गैबी तरीके से अपने औकात में बरकत पैदा करना ये भी एक जरिया है अपने औकात में अपने मकासिद को, यानी हासिल करने के लिए अपने औकात को बढ़ाना। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि हम सबको अपने औकात को सही इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमाएं और हमारे औकात में बरकत अता फरमाएं, और उन औकात में जो भी कोशिशें दीनी खिदमत हम अंजाम दें अल्लाह रब्बुल आलमीन उसमें इखलास और इत्तबा की तौफीक अता फरमाएं। अकुलु हादा वस्तगफिरु लहु व लकुम।